बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे, डालेंगे चना, अपना चना सारा इसमें एक नंबर बन चुका है। ठीक है, इसको करेंगे हम बंद। हेलो दोस्तों, माय न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? काश आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, और अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहा है, और देखिए सुबह से ही बारिश शुरू है। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, और ये देखिए, ये बारिश शुरू है, सुबह से ही बारिश शुरू है, और 1:30 बज रहा है। ठीक है, तब से बारिश शुरू, अभी तक बंद नहीं हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगा है भूख, नहाया वहाया हूँ, सुबह नहाया हूँ, उसके बाद से अब जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए, भूख लगा है। तो आज बनाएंगे चना की सब्जी और तवा रोटी। ठीक है, तो चलिए फटाक से चलते हैं किचन में। हाँ, जो वीडियो में नए हैं फटाक से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किचन में। दोस्तों, हम लोग किचन में आ चुके हैं। ठीक है, सारा बर्तन भी धो लिया हूँ, और देखिए यहाँ पे चना भे दिया हूँ, और ये चना फूल भी गया है अच्छी तरह। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाने के लिए पहले प्याज काट लेंगे, 2 प्याज लेंगे। ठीक है, इसको काट लेते हैं इसमें। ओके, अब फटाक से अपना चने का सब्जी बना लेता हूँ। ठीक है, इसको पहले काट लेते हैं आराम से। यहाँ पे प्याज काट लिया है। ठीक है, कढ़ाई भी रख दिया है गर्म होने के लिए, तो वेट करते हैं, गर्म होने देते हैं कढ़ाई को। तो दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम तेल डालेंगे। ये हमारा तेल गया, ये पेवर सरसों का तेल है। ठीक है, इसको गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। ठीक है, इसमें प्याज हम डाल देंगे सारा, और इसको चला देंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, इसको ढक देंगे, आप वेट करेंगे। तो दोस्तों, जब तक प्याज हो रहा है, तब तक हम चने को, सारे चने को हम छान लेते हैं इसमें। ठीक है, इसमें सारे चने को छान लेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा प्याज, और ये हमारा प्याज एकदम एकदम ब्राउन हो चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, इसको अभी अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी इसको ऐसे ही पकने देंगे। और इसमें थोड़ा सा, हाँ गाइस, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, जितना हमें चाहिए नमक। तो ये रहा अपना नमक, ये डाल दिया अपना। ये ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आँख बंद करके खाएंगे। ठीक है, और ये नमक डाल दिया। अब इसको 5 मिनट के बाद इसमें डालेंगे अपना चना। ठीक है, इसको करते हैं, ढक देते हैं और वेट करेंगे। ओके, तो दोस्तों हमारा 5 मिनट हो चुका है, और ये देखिए नीचे नीचे अब शायद पकड़ रहा है। देखिए कैसा एकदम अच्छी तरीके से तो गल चुका है प्याज। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे चना, अपना चना सारा इसमें डाल देंगे, और इसको चला देंगे। ठीक है, इसको चला दिए, और इसको अच्छी तरीके से, रख देते हैं, वेट करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, और ये देखिए हमारा, ओ
मस्त गाइस एकदम। इसमें अब गाइस पता है हम क्या डालेंगे, अब डालेंगे इसमें मसाला सारे, और ये रहा अपना चिकन मसाला वाला ये, और ये लाल मिर्च, बस लाल मिर्च इतना ही, और ये धनिया पाउडर ना, धनिया पाउडर भी डाल दिया, और बारी है अब हल्दी की, तो हल्दी भाई पड़ेगा नहीं तो सब्जी में कुछ नहीं, हल्दी डाल दिया और इसको चला लेंगे। सूखा सूखा भाई एकदम, इसमें पता है अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी मिलाएंगे हम। ओके दोस्तों ये पानी मिला दिया, इसको चला लेंगे अच्छे से। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम भूख देंगे और ऐड करेंगे अब चने का सब्जी होने का, ये और वेट करेंगे दोस्तों। देखते हैं हमारा चने का सब्जी, और यहाँ पे देखिए एकदम लग रहा है सूख गया है, ये पानी एकदम सूख गया है, और एकदम हमारा चने का सब्जी एक नंबर बन चुका है। ठीक है, इसको करेंगे हम बंद। ठीक है, इसको हम बंद करेंगे और अब चलते हैं आटा सानने के लिए। ये तो हो गया, इसको रख के और ये बंद कर देते हैं। सारा खेल तो इसमें है, तवा रोटी में। तो चलिए इसको सान लेता हूँ मैं। ठीक है, सान लेता हूँ, अपना सब्जी तो हो ही चुका है, सान लेता हूँ इसको आराम से, इसको सान लूँगा, उसके बाद से तवा पे बनाएंगे। ओके तो चलिए सान लेता हूँ फटाक से। तो आटा सान लिया, कढ़ाई भी रख दिया है, तवा भी रख दिया गर्म होने के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाक से इसको रोटी बेल लेता हूँ, सेकता हूँ तो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, वेट करिए तब तक, और हमारा सब्जी तो यहाँ पे हो ही गया है, रेडी हो गया है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे मैंने रोटी, ये से रोटी सेक के, और ये मैंने रख दिया है तवा पे, और इसको भी फुलाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया रोटी तैयार। ओके, इसको हटाएंगे, इस पर रखेंगे। ठीक है, दिखा दिया आपको रोटी, और गाइस कमेंट ज़रूर करिएगा कैसे बनाया हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा कैसे बनाया हूँ रोटी। ओके, तवा रोटी, चलिए फटाक से सारा हम बना लेते हैं। ठीक है, सारा रोटी बना लिया। ठीक है, ये लास्ट वाला रोटी है। ठीक है, इसको फुलाते हैं, और ये ठीक है, ये हमारा रोटी हो चुका, और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, सारा रोटी हमारा एकदम मस्त से हो गया। गाइस कमेंट ज़रूर करिएगा मैंने तवा रोटी कैसे बनाया है। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं ठंडा होने का, और अभी देखिए 3:30 बज रहा है। ठीक है, तो अभी एक घंटे बाद 4-5 बजे खाएंगे। ओके, तो चलिए वेट करते हैं दोस्तों। सारा गुण निकाल लिया हूँ। ठीक है, 5:30 हो रहा है, खाने जा रहा हूँ अब। तो चलिए फटाक से मैं निकाल लेता हूँ थाली में। गाइस ये देखिए क्या होता है, चलिए ये
बाद में खाएंगे कल सुबह। तो इसको क्या करते हैं, हम ढक देता हूँ, ठीक है। और ये अपना इसको खाएंगे, ये इसमें तो रोटी लिया, ठीक है। और ये हमारा हो गया रोटी और चने की सब्जी। गाइस आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये हमने तवा पर का रोटी थोड़ा, और ये एक नंबर गाइस, एक नंबर। ये दूसरा टुकड़ा देखिए, गाइस आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपने ऐसे बना के खाया है कि नहीं, ठीक है। हम लोग के गांव में ऐसा सूखा मिलता है चना, खम दिया, मैं रोटी के साथ खा रहा हूँ, तवा वाली रोटी वाला उससे खा रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों अब तीसरा टुकड़ा खाएंगे। देखिए चने की सब्जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, माय फेवरेट है। और सोयाबीन का सब्जी हुआ, चने का हुआ, और पालक हुआ, चौराई हुआ, ये सब मुझे बहुत बढ़िया लगता है। रोटी से ना चबाना पड़ता बहुत देर तक, देखिए ये चलो दोस्तों ये लास्ट बाइट, ठीक है। ओ गिर गया, ये देखिए ठीक है, खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों खा लिए चना का सब्जी और तवा पर का रोटी, ठीक है। तो अब आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, किसी को दुख ना पहुँचाएं। बाय बाय दोस्तों, लव यू।